स्टूडेंट्स हम बात करें ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स की और पहला प्रोसीजर है टोटल हिप रिप्लेसमेंट व्हाट इज़ टोटल हिप रिप्लेसमेंट इट इज़ अ सर्जिकल टेक्निक इन विच हिप इज़ रिप्लेस्ड इन विच हिप जॉइंट इज़ रिप्लेस्ड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेटलिक प्रोसेस हिप जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है रिप्लेस किया जाता है बाय यूजिंग मेटेलिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ नेचुरल जॉइंट हम मेटेलिक प्रोसेस यूज करते हैं तो क्यों करते हैं ये सर्जिकल प्रोसीजर वट आर द इंडिकेशंस फॉर द हिप जॉइंट फ़र्स्ट इंडिकेशन इज़ आर्थराइट व्हेन देयर इज इन्फ्लामेशन इन द बोन व्हेन देर इज इंफ्लामेशन इन द हिप जॉइंट अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन रहेगा हिप जॉइंट में इंफ्लामेशन रहेगा अल्टीमेटली उसमें फिर बहुत सारे सिम्टम्स नजर आएंगे हमें पेशेंट में अन सिम्टम्स नजर आते हैं पेशेंट में जो कि कंजरवेटिवली ट्रीट नहीं होते हैं जिनके लिए हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो सिम्टम्स जैसे कि एक्सेसिव स्वेलिंग नज़र आता है या सीवियर पेन नज़र आता है या अनडेबल चेंजस लाइक पेशेंट की मूवमेंट जो है उसमें चेंजस आती है वो बैठ नहीं सकता है उठ नहीं सकता है या चल नहीं सकता है तो ये सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली ट्रीट होती है बाय द हिप रिप्लेसमेंट जिसमें हम जॉइंट को रिप्लेस करते हैं नेचुरल जॉइंट को एक्सरसाइज करते हैं उसके बदले हम रिप्लेस करते हैं बेटेलिक प्रोसेस आर्टिफिशियल प्रोसेस का इस्तेमाल माल करते हैं तो होता क्या है ये हिप जॉइंट ये हिप जॉइंट जो है ये बना इसमें हमें दो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं इसमें दो चीज़ें होती है एक तो होता है फीमोरल हेड एक होता है इसमें फिमोरल हेड और होता है इसमें एस्टाब्लम एस्टाब्लम जो है ये पार्ट होता है स्ट्रक्चर होता है पेल्विस का तो उसी एस्टाब्लम में फिट होता है फिमोरल हेड विच कम्बाइनली मेक्स ए जॉइंट नोन एज एसिटोफिमोरल जॉइंट जिस जॉइंट को हम बोला जिस जॉइंट को बोला जाता है एसिटोफिमोरल जॉइंट और वी कैन से हिप जॉइंट सिंपली हम हिप जॉइंट कह सकते हैं तो अब इसी हिप जॉइंट की दो चीज़ों को हमें रिमूव करना है जो कि हिप जॉइंट बनाता है एक तो फिमोरल head or acetabulum that means these two structures are to be removed and are then replaced by the metallic prostheses